दीपावली जैसे अहम पर्व पर मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों को भीख मांगने सड़क पर बैठना पड़ा। पिछले कई माह से वेतन नहीं मिलने से अतिथि शिक्षक और उनके परिवार के सामने फाके की नौबत बन गई है। दीपावली जैसे त्यौहार पर उन्हें 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मानदेय के लिए पिछले कई दिनों से धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों ने धरना स्थल पर ही भीख मांगकर विरोध जाहिर किया। अतिथि शिक्षक लंबे समय से वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपावली पर जहां एक और सभी कर्मचारियों को महीना पूरा होने से पहले ही वेतन मिल गई है, इधर अतिथि शिक्षकों की विडंबना देखिए कि उनके अपने हक के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। शिक्षकों की माने तो इस दीपावली पर्व पर वे अपने बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं खरीद पा रहे। तंग हाली का आलम यह है कि घर का गुजारा दूसरों से लिए गए कर्ज और उधारी से चल रहा है। इधर इस मामले में उनकी वेतन के लिए मसले को अटकाने वाले अधिकारियों पर शिक्षकों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बार निवेदन के बाद भी अतिथि शिक्षकों को जुलाई से लेकर सितंबर तक का मानदेय अभी तक नहीं मिला है और अतिथि शिक्षकों के परिवार दीपावली जैसे पर्व पर भूखों की स्थिति उनकी बनी हुई है, इसलिए हम सांकेतिक विरोध कर रहे हैं और जिलाधीश महोदय से निवेदन करते हैं कि जो भी बावली या जो भी अधिकारी उसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सुनील परियार को भी सकते तो आज आपने किस माध्यम से धरना दिया है? हम मानदेय दिलवाने के लिए बैठे हैं। वैसे तो आप कटोरा लेके भी बैठे? हाँ, तो जब 8-8-10 महीने मानदेय नहीं मिलेगा तो फिर कटोरा लेना ही उचित है। और इसमें जो पैसा आएगा जिनको मानदेय नहीं मिला ऐसे लोगों के घर हम इसके माध्यम से मिठाई भिजवाने का काम हम करें।